डियर स्टूडेंट, अब लूमिनोज एकेडमी क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव रीड अबाउट पॉलिनोमियल्स कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स। नाउ स्टूडेंट, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1 व्हिच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट जस्ट टूडे आई एम गिविंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। लाइक अगर कोई भी वेरिएबल्स है लाइक एक्स वाई या जेड, इसके फॉर्म में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसका पावर होल नंबर है स्टूडेंट, होल नंबर मतलब कि जीरो टू इनफाइनाइट नंबर तक अगर कुछ भी पावर है, यहाँ पे भी जीरो टू इनफाइनाइट है, जीरो टू इनफाइनाइट है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। एक्स वाई जेड क्या है, टेकन एज ए वेरिएबल्स। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल्स में मैंने समझाया था। अब आपका कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसकी दिक्कत होगी। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूर एनसीईआरटी बुक। इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल में देखना है तो वन वेरिएबल में जहाँ अगर कहीं पे भी एक्स और वाई दोनों दिया है तो मीन्स उसको तो हम वहीं से ही इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसमें आप देखोगे तो 1, 2, 5 देर आर द फाइव एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आर गिवन है। इसमें कहीं भी टू वेरिएबल्स नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप 4x² - 3x + 7। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें स्टूडेंट दिया होगा 4x² - 3x + 7। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट इज ए पॉलिनोमियल्स और नॉट, इट इज ए वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज द ओनली एक्स इज द टेकन हियर एज ए वेरिएबल्स एंड बिसाइड दिस आप एक्स का पावर यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 1 है, तो 1 और 2 दोनों होल नंबर्स हैं, इसलिए ये आपका क्या होगा, इसका आंसर यस होगा, यस इट इज ए पॉलिनोमियल्स। और अगर डिग्री अगर आपको पूछता है तो आपको बोल देना है कि इसमें मैक्सिमम पावर एक्स का क्या है 2 है, तो ये 2 डिग्री का होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं 2 डिग्री की बात नहीं किया है, डिग्री नहीं पूछना है। आप इसमें एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में लेता हूँ, क्वेश्चन थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, 3 √t + √t + √2। क्या ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है? तो t भी, s और t को भी बहुत सारे बुक्स में क्या जो अल्फाबेट्स है एक्स वाई जेड के अलावा s और t को भी कभी कभी हम वेरिएबल्स के रूप में लेते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे क्या है, t है, तो t इज टेकन एज ए वेरिएबल्स। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा, सर 3 मिलेगा, t का पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ तो t है ही है t और यहाँ पे अंदर भी 2 है, t को देखते हैं तो यहाँ पे t का पावर स्टूडेंट क्या है 1/2 है, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, हेंस इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पे t का पावर क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसलिए हम इसको वेरिएबल्स का पावर जो लेना चाहिए, हमें जो होल नंबर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं। इसके अलावा और भी आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, वहाँ पे भी फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे तो जस्ट आई वांट टू डिटेल इट। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो वाई है, आप देखो ना वाई का पावर 1 है, सिंपली कुछ नहीं तो वाई का पावर 1 है, यानी इट मीन्स ये वेरिएबल्स ये पॉलिनोमियल्स होना चाहिए, बट 2 का पावर क्या है 2/y। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर ले हम तो वाई हो जाएगा +2 और ये वाई जब न्यूमरेटर में जाता है तो इसको क्या करते हैं, वाई का पावर भी -1 हो जाता है। अब अगेन माइनस होनी चाहिए इंटीजर, नॉट ए होल नंबर, ये नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका भी आंसर नो होगा। इस तरह से और भी करेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बता रहा हूँ कि लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या होता है। लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री जहाँ पे वेरिएबल्स का पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 1 डिग्री को लीनियर बोलते हैं, यानी जहाँ अगर कहीं भी जो भी वेरिएबल्स है, अगर एक्स है मान लो, अगर एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है तो ये क्या कहलाएगा, ये लीनियर का है, लीनियर का है, ये लीनियर हो गया पॉलिनोमियल्स। अगर एक्स टू द पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाता है।
क्वांटिटी पॉलीनोमियल्स हो जाएगा। अगर एक्स टू द पावर थ्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्यूबिक पॉलीनोमियल्स बोलते हैं, इसको क्यूबिक पॉलीनोमियल्स हो जाएगा। अगर एक्स टू द पावर फोर तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक। हालांकि बहुत डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स बोलते हैं स्टूडेंट। आपको बस उसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में आपको करना है, यानी कोई भी इक्वेशन हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे इट इज ए पॉलीनोमियल्स और इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल्स। इफ इट इज पॉलीनोमियल्स इट इज ए लीनियर पॉलीनोमियल्स, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स या इट इज ए क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। आपका मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आप देखो, 2.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप इसको क्लियरली देखो, एक्स टू दी पावर जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, टू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हो गया। अब स्टूडेंट अगर आप उसके आगे देखोगे, जैसे सपोज करो इसमें क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि सेवन एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, क्यू है, मतलब थ्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्यूबिक पॉलीनोमियल्स बोलेंगे। और इसी में अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं फोर्थ, तो ये क्या है, वन प्लस एक्स है, यहाँ पे एक्स का पावर वन डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे स्टूडेंट, ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और ये एक्सरसाइज आज आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा स्टूडेंट, एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर आई जस्ट एडवाइस टू यू पुट योर कमेंट, इफ यू आर नॉट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज प्लीज पुट योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट।